खरीदी की शुरुआत होनी है, लेकिन धान खरीदी केंद्र में टोकन काटने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। टोकन काटने को लेकर समिति के कर्मचारियों और किसानों ने जमकर विवाद हुआ और मामला संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस को भी बुलाना पड़ गया। बाद में पेंड्रा के किसानों का पट्टा वापस कर दिया गया। पेंड्रा सहकारी समिति ने क्षेत्रीय किसानों का टोकन 27 तारीख को कटना था और इस दिन कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग थी। अगली तारीख को विवाद हो गया। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब तक किसानों के टोकन नहीं कट पाए हैं, जबकि धान खरीदी आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन पेंडा वालों को ना करते, जो लिस्ट बना हुआ है उसमें से ले रहे हैं और दो पेंडा का ले रहे हैं, उसमें पेंडा वाले बहुत पीछे चले जाएंगे। तो लिस्ट कौन बनाया है, वो लिस्ट कौन माने कर रहा है? किसान लोग बनाए थे। बात हुआ है कि नंबर रहा पेंडा वालों का, कि कैसे कैसे हो रहा है कि जबरन वहाँ का कट रहा है। तो क्यों गड़बड़ हो रहा है ये सब? अब यहीं से हो रहा है, जो यहाँ तार करते हैं वो जाने। समिति वाले गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, और क्या, टोकन कट रहा है। द्वारा जो उस दिन लिस्ट को देख के हमको बोला गया था, भाई लिस्ट को पहले आप सुचारू रूप से चलाएंगे, उसके बाद फिर अपना टोकन को, मतलब जो गांव आए थे उसको अपना वो करेंगे, ठीक है, पब्लिक की भीड़ को देखते हुए, ताकि किसान किसी प्रकार का मतलब रुष्ट न हो पाए। गाडरबारा में धान खरीदी में